गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे सुबह के 3:50 और हम निकल रहे हैं हमारी पहली सोलो राइड और लंबी राइड के लिए पुणे से बेंगलोर की तरफ। तो हम अभी निकलते हैं, बीच में बातें करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे सीन आएगा तो आपको दिखा होगा। चलो निकलते एक नई राइड की तरफ। I can feel it somewhere inside haunting, like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know, but I feel like you're here with me, like chasing ghosts. I know you're out there. सवेरे लगभग 4 निकल चुके थे पुणे से बेंगलोर के लिए। अभी दोपहर के 2 रहे हैं। हमने लगभग 500 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा कवर कर लिया है। अभी हम रुके थे खाना खाने के लिए, एक राजस्थानी ढाबा बोलकर एक ढाबा है वहाँ पर। बेंगलोर पहुँचने के लिए लगभग अभी 6 लगेगा। तो एक चीज़ बतानी रह गई कि हम निकले हैं राइड के लिए, लेकिन आपको मेरी गाड़ी दिखाई नहीं मैंने, मेरे पास कौन सी गाड़ी है कि आपको बताया नहीं। तो दोस्तों मेरे पास यामा की SZR 153cc की गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है। इस तरह से मैंने सब लगेज रखा है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक टैंक बैग है, एक बैग है जिसको मैंने पंजेरों से बांध के रखा हुआ है। चलो निकलते हैं अगले राइड की तरफ। आज हम बेंगलोर में हैं। कल सवेरे लगभग 4 पुणे से हम निकले थे, तब हमारा गाड़ी का रनिंग था 51,630 किलोमीटर्स, और जब हम रात को लगभग 8:30 बेंगलोर में पहुँचे तो गाड़ी का रनिंग हुआ था 82,507 किलोमीटर, यानी लगभग 870 किलोमीटर हमने कल, जो हमारी पहली सोलो राइड थी जिसको हमने नाम दिया था टेस्ट राइड। ये दोनों की टेस्ट थी, गाड़ी की भी टेस्ट थी और मेरी भी टेस्ट थी, क्योंकि इससे पहले मैंने इतनी बड़ी सोलो राइड कभी की नहीं थी। तो इसके वजह से मैंने सोचा कि एक टेस्ट राइड क्यों ना की जाए, इसलिए मैंने पुणे से बेंगलोर ये जो एक बड़ी टेस्ट राइड वो करने की सोची। और उस तरह से मैं कल सवेरे 4 घर से निकला सवेरे 4 और लगभग 16 घंटे लगे मुझे बेंगलोर में पहुंचने के लिए। 870 किलोमीटर, 16 घंटे, और गाड़ी 153cc यामा SZR।